स्वागत है। देखिए आज से हम पढ़ेंगे के ग्रुप। के ग्रुप से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में रिलेटेड, जितने भी चैप्टर होंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि के ग्रुप कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता था और कितना क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल से। के ग्रुप में मेनली हम के टू ग्रुप की बात करेंगे, के ग्रुप में के टू ग्रुप की बात करेंगे और के टू ग्रुप का ही रीडिंग करेंगे। और के टू ग्रुप मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, के टू ग्रुप मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और पिछली वीडियो में हमने बताया था तो उसमें कमेंट आए थे कि सर क्लास क्या कीजिए, जल्दी लीजिए, तो उसी को देखते हुए हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली दो लेक्चर या फिर तीन लेक्चर भी आपके आ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी डाउट हो तो आप जाके सोशल मीडिया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए के टू ग्रुप में सबसे पहले हम चैप्टर्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है के टू ग्रुप वालों के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रारंभिक विद्युत। क्या पढ़ना है, प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैप्टर नेम चाहिए कौन कौन सा चैप्टर के टू ग्रुप में आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, इसी नाम से है, और वहाँ पर हम इस चैप्टर नेम को क्या करेंगे, डाल देंगे। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एसी एवं एसी परिपथ आएगा, विद्युत चुंबकत्व एवं प्रेरकत्व, संधारित्र का विवरण, विद्युत मापक यंत्र, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, डीसी मशीनें, और क्या क्या है, एसी मशीनें, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव एवं वेल्डिंग, प्रदीप्ति, विद्युत उपकरण, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक संकेत, एक मीटरी प्रणाली है। इसमें देखिए कुल 5 मॉडल पेपर भी है मेरे पास, अगर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है इंजीनियर पॉइंट, उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। तो हम आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यूपी पॉलिटेक्निक के टू ग्रुप के लिए बैच है। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम, और आप लोग बताइए कि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि पूरे चैप्टर का कम्बिनेशन एक मॉक टेस्ट की तरह चलाया जाए ताकि पूरे चैप्टर का रिवीजन साथ में हो जाएगा। देखिए अगर जो पूरे चैप्टर को साथ में लेकर हम लोग पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा होगा कि दो तीन सेट हम करेंगे मार्क टेस्ट का, उसके बाद आपका धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हम क्वेश्चन देख रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल आएगा क्योंकि के टू ग्रुप में साफ साफ लिखा है हम कौन सा इलेक्ट्रिकल का, जो कितना क्वेश्चन पूछेगा, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रेड का आएगा। यदि आप इस मैथ फिजिक्स कितना आता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन, यदि आप इस पर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हैं तो यदि इलेक्ट्रिकल पर मजबूती आप बना लेते हैं 60 क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, आसानी से के टू ग्रुप का फॉर्म को आप निकाल सकते हैं और आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सरल होगा लेकिन थोड़ा दिमागी मतलब कि लॉजिकल होगा, आपको थोड़ा बहुत सोचने का मजबूर होगा, और क्या होगा, टाइम भी तो अपने पास, ऐसा भी तो नहीं है कि चलिए एक क्वेश्चन का 10 ही सेकेंड मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का दिख रहा है आप, हाँ के टू ग्रुप यहाँ लिख दे, के टू बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में करंट व वोल्टेज होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट व वोल्टेज होता है, दिख रहा है यहाँ पर,
चलिए दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीरीज कम्बिनेशन में करंट व वोल्टेज होता है, क्या होता है? आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से दे देंगे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाएंगे और दे सकेंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा वही जानेगा, क्योंकि आप हाई स्कूल से ही इसको पढ़ रहे हैं, समांतर और श्रेणी क्रम हाई स्कूल से ही डिस्कशन किए हैं आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ए क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में करंट व वोल्टेज होता है। करंट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को क्या कहते हैं, वी से। तो हम आई लिख रहे हैं, आई समान होगा, आई समान और वी डिवाइड, मतलब कि विभाजित, विभाजन लिख लीजिए। दूसरा में ऑप्शन बी, आई विभाजित होगा, अभी हम समझाते हैं विभाजित का मतलब, भी क्या होगा, समान या इक्वल। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों हो सकता है, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल से, सीरीज कम्बिनेशन में करंट व वोल्टेज होता है। देखिए क्वेश्चन लाने, हम ये भी लिख सकते थे सीरीज कम्बिनेशन में करंट होता है, फिर अगला क्वेश्चन सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज होता है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइंड करके चलेंगे। और हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें कम क्वेश्चन में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप लोग को प्राप्त हो। तो एक साथ दो क्वेश्चन इसको कह सकते हैं करंट व वोल्टेज होता है। देखिए सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, देखिए पहले रजिस्टर के अंतिम सिरे और दूसरे रजिस्टर के प्रारंभिक सिरे को जोड़ देते हैं, तो जो हमारा क्रम होता है वो क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन होता है। तो देखिए यही तो है, ये भी वोल्टेज है। बड़ा वाला प्लेट क्या होता है, प्लस होता है, छोटा वाला प्लेट क्या होता है, माइनस होता है। तो करंट कहाँ जाएगी, प्लस से माइनस की हो जाएगी, तो करंट प्लस से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। तो देखिए करंट का एक ही रास्ता है, करंट को जाने का एक ही रास्ता है, ऐसे आई करंट गई और आई करंट वापस आई। तो करंट कहाँ है, क्या करंट डिवाइड हो रही है, नहीं ना, करंट बट रही है, बट नहीं रही है, यानी करंट क्या होगी, समान होगी। तो करंट समान किसमें है, इसमें करंट समान है, और अगर इसमें केवल करंट समान है और बाकी ऑप्शन देखने पर नहीं किसी में करंट समान है, तो ऑप्शन टिक कर देंगे। अब और वोल्टेज के लिए देखते हैं, मान लीजिए भी वोल्टेज है, यहाँ पर करंट गई, यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध R1 है और R2 है, तो करंट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ बाधा, मतलब कि रुकावट, रेजिस्टेंस मैंने बाधा डालेगी, करंट के रास्ते में रुकावट डालेगी करंट, रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में रुकावट डालेगी रेजिस्टेंस। तो वी इक्वल टू आई आर, यानी कि करंट के रास्ते में कौन रुकावट बनेगा, आर, यानी कि रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, वो वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी वन, यहाँ पर होगा वी टू, अगर ऐसे ही रहे तो वी थ्री, वी फोर, वी एन हो सकता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर सीरीज क्रम में क्या देख रहे हैं, करंट इक्वल है और वोल्टेज हमारा क्या है, डिवाइड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि करंट क्या होगा, समान होगा और वोल्टेज बटेगा, मतलब डिवाइड होगा। तो यह सीरीज कम्बिनेशन में, मतलब श्रेणी क्रम में करंट का मान क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सीरीज कम्बिनेशन में करंट का मान होता है, समान होता है, वोल्टेज का मान डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी सीधे तार का विभव होती है, चलिए बताइए, किसी सीधे तार का विभव होती है, समान, असमान, या फिर जीरो, या ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन बताइए आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्या है क्वेश्चन, किसी सीधे तार का विभव होता है। देखिए यहाँ मेरे पास क्या है, तार है,
किसी सीधे तार का विभव होता है, मान लीजिए विभव कितना है 20 वोल्टेज, मान लीजिए इस पॉइंट पर विभव मेरा क्या है 20 वोल्ट, कितना है विभव 20 वोल्ट है। यदि सीधा तार है, सीधा तार है तो उसका प्रत्येक पॉइंट पर विभव मेरा कितना होगा जी, कितना होगा 20। यदि 20 माने हैं तो हर एक पॉइंट पर विभव कितना होगा 20 हर एक पॉइंट पर होगा। जैसे ही हर एक पॉइंट पर कितना होगा विभव जी 20 होगा, यदि 20 वोल्टेज माने हैं तो। जैसे ही किसी तार के रास्ते में रेजिस्टेंस आया, मतलब करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे ही किसी सीधे तार में रेजिस्टेंस आया तो विभव क्या होगा असमान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट आया, इस पॉइंट पर 20 वोल्ट, इस पॉइंट पर 20 वोल्ट, ये हमारा क्या है आर है, मतलब करंट का अपोज करेगा, अपोज करेगा, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा वी बराबर आई आर। मान लीजिए आई कुछ और है, आई क्या है कुछ और है, तो करंट का क्या करेगा अपोज करेगा, तो हमारा यहाँ क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा वी इक्वल टू आई आर। जैसे रजिस्टर बीच में आया तो क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज का हानि होगा। मान लीजिए 2 वोल्ट हानि हुआ तो 18 वोल्ट बचा। तो यही क्वेश्चन है, किसी सीधे तार का विभव होती है कितना होता है समान असमान या जीरो या ऑल ऑफ दिज, यही क्वेश्चन है। तो किसी सीधे तार है अगर उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारा क्या होगा किसी सीधे तार का विभव समान होगा। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, यदि किसी सीधे तार में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, यदि किसी सीधे तार में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए और विभव 20 वोल्ट पहले थी, रेजिस्टेंस लगाने के बाद 2 वोल्ट या कुछ भी 2, 3, 5 अपने अनुसार 2 वोल्ट की हान हुई, मतलब कि वोल्टेज का लॉस हुआ, तो कि उससे आगे कितने वोल्टेज पास होगी कितनी 18, यानी कि 2 वोल्ट की हान है। क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, वो कैसे क्वेश्चन को बना के आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम होगा, क्वेश्चन थर्ड है, समांतर क्रम होगा। आप लोग को क्वेश्चन आसान लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पॉलिटेक्निक के ग्रुप में है जो के टू का, वो पहला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या करेंगे बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे हाई ऑप्शन को लॉजिकल बना के, लेकिन बेसिक से ही डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी जब हम इससे बाद में हम पढ़ेंगे प्रदीप्ति एसी मशीन है इन सब का अच्छे से, वहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से आएगा, मतलब कि अच्छा लगेगा देखने में लगेगा हाँ कठिन है। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है तो बेसिक ही क्वेश्चन रहेगा, क्या समांतर क्रम होगा जब करंट व वोल्टेज होगा। देखिए हमने क्या बताया था सीरीज क्रम होगा। कैसे होगा सीरीज क्रम कब होगा, जब करंट समान होती है वोल्टेज हमारा डिवाइड होती है तो उसे हम क्या कहेंगे श्रेणी क्रम। तो वही क्वेश्चन है समांतर क्रम होगा जब करंट और वोल्टेज होगा। आप लोग इसको आंसर बताइएगा क्योंकि ऐसे लिखेगा वोल्टेज क्या होगा डिवाइड होगा कि इक्वल होगा, करंट क्या होगा डिवाइड होगा कि इक्वल है, भी और आई लगा के लिख दीजिएगा हम समझ जाएंगे। और इसका आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन का है तो ये वाला क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौथा क्या है, अगर समान वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। चलिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अगर समान वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समान क्रम में हम बताएंगे नहीं करंट क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कि हम क्वेश्चन को आपसे पूछे हैं तो बता देंगे तो आप आंसर दे देंगे,
तो इसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर ही हम बता रहे हैं। देखिए समांतर क्रम कब होगा, ये तो आपका आंसर देना ही अगले में, वो वाला तो नहीं बताएंगे, लेकिन समांतर क्रम का फार्मूला यही तो होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। यहाँ पर दो अगर समान वैल्यू, दो प्रतिरोध क्वेश्चन में पूछा, दो ही लेकर चलते हैं, तीन चार आप कितना ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, r2 into r1 upon r1 into r2। तो इसको ऊपर करेंगे r इक्विवेलेंट क्या होगा, r1 into r2 upon r1 plus r2। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि यही होता है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है। ऑप्शन में और भी दे देगा, आर इधर उधर करके ऊपर नीचे करके देगा, तो हमारा समांतर क्रम का क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। तो क्या है समांतर क्रम में पूछा है, तो उनका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध इतना होता है। क्वेश्चन क्या है, अगर समान वैल्यू के दो प्रतिरोध, मान लीजिए आप क्या मानेंगे, समान वैल्यू के मान लीजिए आर वैल्यू के दो प्रतिरोध हैं, समान वैल्यू के, यानी कि r1 = r2 = कितना मारेंगे r, माना दिख रहा है यहाँ पर, माना चलिए दिख रहा है, r1 = r2 = r माना समान वैल्यू के दो प्रतिरोध, तो एक r इक्विवेलेंट कितना होगा यही तो पूछा है। r इक्विवेलेंट देखिए r1 into r2 हम क्या माने हैं r, तो r और r1 + r2 को भी r माने हैं, तो r + r, तो r इक्विवेलेंट कितना होगा, r² / 2r, एक r से r कट गया तो क्या होगा r/2, दिख रहा है ना नीचे, हाँ r/2 कितना बचा, r/2 हमारा आंसर कितना होगा, r/2 आंसर होगा। तो ऑप्शन कैसा देगा, यही तो देगा r/2 r/3 r/2 r/4 और एक दे देगा 2/r, तो यही हमारा ऑप्शन होगा सही ए। तो यही है, एकदम क्वेश्चन आसान रहेगा, देखने से थोड़ा हार्ड भी लग रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर समान वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसके पर इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या होगा, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध को जानना होगा, जो कि फार्मूला हमारा यही है। और इसमें क्या आर वैल्यू के समान, यानी कि r1 = r2 = r हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इस तरह हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, r/2। इसको हम याद भी कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा लगाने से मतलब नहीं है, याद कर लीजिए, यदि समान वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, r/2। क्वेश्चन क्या था देखिए, यहाँ से बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी छोटा छोटा सा दे रहे हैं, देखिए दे कह रहे हैं, समझा रहे हैं, यदि r वैल्यू के, देखिए अगर r वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, किसमें हैं, समांतर, यानी कि p से समांतर समझ जाइएगा, समांतर में जुड़े हैं, यानी कि p मैंने पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनका r इक्विवेलेंट होता है r/2। कब, जब दो, अगर r प्रतिरोध के, देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहला कंडीशन क्या, देखिए r वैल्यू के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका r इक्विवेलेंट कितना होगा, r/2 होगा। यदि अगर समान वैल्यू के तीन रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक कितना था, दो था, तो इक्विवेलेंट r/2। यदि तीन समान वैल्यू के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो r/3। यदि इसी प्रकार बढ़ता जाए तो समान वैल्यू के n रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उसका r इक्विवेलेंट r/n होगा। इसमें लिखे नहीं है, अगला क्वेश्चन तो था पीछे वाला, उसी को देख के हम आगे बढ़ाए हैं,
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन चार ही लिखे थे जो हम आपको नहीं दिख रहा ना, बता चुके हैं। चलिए देखिए, नहीं लाइट हरा। तो इसी तरह यदि n वैल्यू, यदि समान वैल्यू के n प्रतिरोध समांतर में होंगे तो उसका r इक्विवेलेंट क्या होगा, r बाई n होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए कितना ओम है, 4 ओम, फिर 3 ओम, ए समान लेना है ना, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, तो क्या होगा, r बाई n बोला है ना, तो r का वैल्यू 4 है, एन का वैल्यू भी 4 है, यानी कि आर इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना आप नहीं जाइए। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। और हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं क्या, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन था हमारा, समांतर क्रम होगा जब करेंट व वोल्टेज का मान, जैसे कि करेंट डिवाइड होगा कि वोल्टेज, जैसे कि करंट अगर जब डिवाइड होगा तो आई डिवाइड करंट, वोल्टेज समान होगा तो आ भी समान या भी इक्वल लिख देना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप बताइए कि पूरे चैप्टर जो केटू ग्रुप में है उसका हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ले कर चले हैं, मतलब कंबाइंड करके पूरा क्वेश्चन की चैप्टर वाइज चले। तो इसीलिए आज बस छोटा सा वीडियो था, डेमो एक तरफ से देख सकते हैं। और आगे हर दिन दो लेक्चर आपको प्रोवाइड, कम से कम दो तो लेक्चर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार के आपको डाउट है आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।